इस वक्त हैं हम इस्तांबुल के गलाटा पोर्ट पे और आपको हम ये एक नई जगह दिखाते हैं जो आप कहेंगे कि जी लोगों ने ज़्यादा कवर नहीं की हुई यूट्यूब पे। और चलें हम अब आगे चलते हैं पोर्च की तरफ। ओ ये इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है पोपाए, ये तो इंटरनेशनल चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट है और बर्गर किंग भी है यहाँ पे। शाम के टाइम पे गर्मी में पोर्ट पर आके हवा हवा ठंडी ठंडी हवा मज़ा ही आ गया। ये वाला जो ये लाइब्रेरी है बहुत ह्यूज। मैं देखती हूँ खाने पीने की चीज़ों का रेट क्या है। ब्रेकफास्ट 890 लीरा का, स्मार्ट ब्रेकफास्ट 410 लीरास का, ऑमलेट प्लेन ऑमलेट 190 लीरा। फ्राइड गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ओके व्हाट्स नाउ व्हाट्स अवेलेबल ओनली लंच दिस वन दिस इज लंच ओके क्रिस्पी चिकन बास्केट टेरियाकी चिकन शिश करी सॉस कोल्ड ड्रिंक्स है जो चाय है फ्रोजन अमेरिकानो आइसक्रीम लाटे की होममेड होल्ड टी डिजर्ट टाको बर्गर्स ओके एक्सक्यूज मी वेयर कैन आई ऑर्डर आई नीड दिस वन Order. This order my waiters will have. Okay, okay. Yeah. Okay. This you can see it, tables. Okay. And then waiter comes. Yeah. Okay, then waiter come and take the order. Yes. Yeah. Okay. यहाँ पर ये है। यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम ग्रैंड ब्रेकफास्ट करेंगे इनका, जिसको कहते हैं प्रिंस ब्रेकफास्ट। इसकी जो प्राइस थी 950 टर्किश लीरा है। ये हमारा ग्रैंड ब्रेकफास्ट आ गया जिसमें क्यूकम्बर टमाटो बेल पेपर्स रोल्स चीज हैम चीज डिफरेंट जैम बटर्स डिलीशियस ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट की बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। ये है कोई रोल है सा चिप्स एंड दिस इज पोस्ट एग वेरी नाइस पीपल टर्किश पीपल आर द बेस्ट वंस। ये हमारे एग्स आ गए हैं चिप्स आ गए हैं रोल्स आ गए हैं वेरी ग्रैंड एंड ऑसम ब्रेकफास्ट। ये मेरी प्लेट है आलू बुखारों का जैम चॉकलेट स्प्रेड एप्रिकॉट का जैम क्यूकम्बर टमाटर। ये है उन्होंने स्पेशल हनी के अंदर पनीर डाली हुई है चीज जो कि बहुत मजे का लगता है। ये है हल्दी है चीज। ये हम ऐसा ऐसा खा रहे और ये है टर्की है ये है हैम स्लाइसेस टर्की के बने हुए सब कुछ यहाँ पे ग्रैंड 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 ब्रेकफास्ट एवरीथिंग इज जबरदस्त एंड हलाल। ये भी है ये भी हैम के मुझे लगता है ये चिकन के बारीक बारीक पीसेस उन्होंने हैम टाइप बनाए हुए जो समथिंग लाइक बीफ या मटन या सम ये हम लोग वहाँ पे खाते हैं बहुत लेकिन हम लोग इसको खाली स्लाइस करके खाते हैं ब्रेड में डाल के इसको हम इस तरह फ्राई नहीं करके खाते हैं।
इतना ह्यूज ब्रेकफास्ट था कि हम खा खा के थक गए हैं। ये है जैम का मुरब्बा, ये है आलू बुखारों का मुरब्बा और ये चीज के साथ जबरदस्त लगता है। जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है। और जो लोग भी हनी खाते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ये एक आइडिया है कि हनी को मलाई की बजाय हनी को देसी पनीर के साथ खाएं, बहुत मजे का लगता है, बहुत। टर्किश ब्रेकफास्ट इतना ह्यूज है, हमने हालांकि ये दो लोगों के लिए मंगवाया था लेकिन ये पांच लोग आराम से खा सकते हैं। अभी भी इतना कुछ रह गया है, अगर हम एक बंदे का वाला भी मंगवाते तो भी हम लोग आराम से तसल्ली से खा सकते, लेकिन हाँ नटैला भी है, लेकिन क्योंकि हमें फिर चाय बार बार मंगवानी पड़ती थी क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ, तो इस वजह से इसके साथ आ रहा था चाय का जग, नटैला आ रहा था, पोस्ट एग्स आ रहे थे और जैम्स और काफी चीजें एक्स्ट्रा भी आ रही थी। तुर्की हवाएं कहीं से भी खाएं, तुर्किश ब्रेकफास्ट जरूर एंजॉय करें। प्रिंसेस कॉफी हाउस जो गलाटा पोर्ट पर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल पोर्ट के साथ है। यहाँ पे इनके पास कॉफी है, केक बिस्किट्स हैं, हर तरह के सूफलेज हैं, केक चीज केक्स हैं, चॉकलेट केक्स हैं, सब कुछ है। यहाँ पर उन्होंने ये भी रखा हुआ है स्वीट्स बिस्किट्स भी। और इस साइड पे अगर हम जाएं, मरहबा, हर जगह पे इनके अपने टैग्स हैं, अपने लेबल्स हैं, का रेड बुल, कॉफी, ड्रिंक्स, यहाँ पे कॉफी ड्रिंक्स बार भी है, यहाँ पे मिनी बार है। एंड द स्टाफ इज वेरी फ्रेंडली, यहाँ पर हर तरह का ड्रिंक है। वेरी फ्रेंडली, वेरी हैप्पी स्टाफ। आई मैं ये यहाँ पे तुर्की में, क्योंकि ये एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल का बैन नहीं है, तो आप पब्लिकली अल्कोहल बाय कर सकते हैं। वो उनकी कॉफी मशीन है और अब हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इनका सिटिंग एरिया, बहुत इस वक्त भी बहुत से लोग यहाँ पर सी साइड को एंजॉय करने के सैटरडे। इधर लोग अपना ड्रिंक, ये है बार, कॉफी हाउस है, बार है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने ड्रिंक्स ही इंजॉय करें। बीच ये देखिए कितना शाम का टाइम है, इसलिए कितना रश है, कितने लोग हैं यहाँ पे। मैं बस इसके बाहर, ये दो तीन लेयर्स पे है ये कॉफी शॉप, और इसके बाहर ये खूबसूरत किस्म के फूल लगे हुए हैं और खूबसूरत किस्म के लोग बैठे हुए हैं। ये जो एरिया है इसको गलाटा पोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा गलाटा का हिस्सा है। उस साइड पे है गलाटा का ब्रिज और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वो गलाटा का टावर है। तो बेसिकली ये पूरा एरिया गलाटा का ही है, तो इस वजह से इसको गलाटा पोर्ट कहते हैं। वो शाम का वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है, शाम का वक्त हो रहा है, सूरज और पानी का रंग एक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी खामोशी नहीं होती। ये है इस्तांबुल, ये किसी ने प्राइवेट हायर की हुई है, वो लोगों ने ये याच अपनी फैमिलीज के लिए प्राइवेट भी हायर करते हैं। और ये बोट जा रही है टूर की,
और ये एक और बोट आ रही है फ्लोट करती करती, ये गलाटा पोर्ट। वहाँ जहाँ पे भी देखे ना, जिस साइड पे भी देखें, शिप्स जा रही हैं, फेरीज जा रही हैं, जहाँ पे भी देखें, अब जिस साइड पे भी देखें, फेरीज जा रही हैं, बोट्स जा रही हैं, क्रूज़ जा रही हैं, छोटी याच जा रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। से चल चल के मैं इतनी थक गई हूँ ना कि थोड़ी देर की ये लेवेंडर के फूल हैं अपने यूके की याद आ गई है। लेवेंडर तो यूके में हमारा भरा पड़ा है, तो ये लेवेंडर के फूल हैं यूके की याद हमारी आ गई। तो कुछ इस पे बैठ के रिलैक्स करूँ और कुछ अपने यूके को याद करूँ कि वहाँ पे तो हर वक्त लेवेंडर की इतने फूल होते हैं। रिलैक्स हो गई मैं थोड़ा कि अभी मैं थोड़ा सा सनसेट को एंजॉय करती हूँ, कुछ खाती हूँ। यहाँ पे एक बारबेक्यू टर्किश किबाब का रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू का। यहाँ तक खुशबू आ रही है और इसकी क्यू देखें कितनी लंबी है, इसकी क्यू बहुत लंबी क्यू है किबाब के लिए। और फुल ऑन रश है, यहाँ तक हमें कबाब की खुशबू आ रही है। यहाँ पे सारी फाइन डाइनिंग है, वेरी एक्सपेंसिव बट फाइन डाइनिंग। रूफ टॉप पे भी है कोई जगह बैठने की, ऊपर भी बैठा जा सकता है, लेकिन ऊपर जैम पैक्ड है। ऊपर भी बैठने की, एक रेस्टोरेंट के ऊपर भी बैठने की जगह है, लेकिन ऊपर जैम पैक्ड है, बैठा नहीं जाएगा। ये एक व्हील उसने बनाया हुआ है, इस्तांबुल तुर्किये का व्हील। इसमें कलरफुल कलर्स से बनाया है, बहुत अच्छा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसमें ये है कि इस्तांबुल तुर्किये के जो इस्तांबुल के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं छोटे छोटे, उन सब का नाम इसमें लिखा हुआ है। सो प्रीटी, सो गुड, सो मैग्निफिसेंट। छोटा सा ये भी एक कैफे है, इतनी मजे की इन्होंने वो डेकोरेट की हुई है वैगन। और WC दिस वे, दिस डायरेक्शन। यहाँ इस जगह को क्लीन रखने के लिए उन्होंने रिसाइकलिंग बिन्स रखे हुए हैं कि प्लास्टिक के प्लास्टिक रिसाइकल में डालें, पेपर की पेपर रिसाइकलिंग में डालें, ताकि ये जगह साफ सुथरी रहे। VW न्यू मॉडल, ओके ओके। यहाँ पे वॉक्सवैगन का VW का न्यू मॉडल इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। लोग ट्राई करें इसको, बैठ के ट्राई करें, टेस्ट नहीं लेकिन जस्ट ट्राई करें, और अच्छी लगे तो ख़रीदें। पता नहीं कितने लोगों ने खरीदी होगी। लेकिन लोग शाम के टाइम पे, क्योंकि इस्तांबुल में इट्सेल्फ
देखो इतनी बीच नहीं है जहाँ पे कोई जाके इंजॉय कर सके. अंतालिया है और उसके लिए अनालिया है और सिजे है और इस तरह की डिफरेंट और सिटीज हैं जहाँ पे बीच है. इस्तांबुल में इतना तो बीच नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पर आके ना इंजॉय कर रहे हैं. इस साइड पे सारी खाने पीने की दुकानें हैं, बार्स हैं, कैफे हैं. इस साइड पे सारे खाने पीने की दुकानें हैं, बार्स हैं, कैफे हैं. और एक चीज़ आपने शायद नोटिस नहीं की, लेकिन मैंने बहुत नोटिस की है कि जहाँ पे भी इनके ज़्यादा फूल लगे होते हैं ना, या तो इनके फूल रेड कलर के होते हैं या फिर इनके फूल वाइट कलर के होते हैं, जो इनका ट्रेडिशनल रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रेडिशनल कलर इनका जो फ्लैग का कलर है रेड एंड वाइट, वो रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे उन्होंने, मुझे लगता है कोई ट्रैम वगैरह भी थी, कहवाली सी. यहाँ भूख लगी है. इस जगह की अच्छी बात यह है कि आप किसी भी मेट्रो के स्टेशन से आएँ, वहाँ से ट्रैम पकड़ें और ट्रैम सीधा आपको 27 टर्किश लीरा में यहाँ पर ले आई. वेरी कन्वीनियंट. और यही मैं अब करने लगी हूँ, घर जाने के लिए मैं यहाँ से ट्रैम पकड़ूँगी जो मुझे सीधा अक्सरे ले जाएगा, और वहाँ से मैं मेट्रो पकड़कर अपने जहाँ मैं रह रही हूँ बाकी से वहाँ मैं एक बस पकड़ के फिर पहुँच जाऊँगी. गलाटा पोर्ट के एक साइड पे है ये मस्जिद, बहुत ही पुरानी मस्जिद है. और एक साइड के ऊपर है ये मॉडर्न कैफेज बैठने की जगह, ये मॉडर्न कैफेज बैठने की जगह. दूसरी साइड पर है इस्तांबुल मॉडर्न, ये एक बिल्डिंग है जिसमें इस्तांबुल के मॉडर्न स्कल्पचर्स, मॉडर्न चीज़ें हैं जो न्यू इस्तांबुल को, मॉडर्न इस्तांबुल को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ आपने जाना है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी. यहाँ से किधर भी जाना है वो इसके लिए बोट पेयर भी है. जहाँ भी आपने जाना है आपको यहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगी. यहाँ पे टॉयलेट्स भी हैं और बहुत सी स्टेयर्स का भी है, फर्स्ट फ्लोर में स्टेयर्स है. और चलें हम अब आगे चलते हैं. चले जी, मेरे भी अब घर जाने का टाइम हो गया, 7 बज गए हैं. घर जाते जाते हमारा जो घर है वो बाटी शहर में, और यहाँ से जाते जाते 2 घंटे बच हो जाएंगे इससे पहले कि मेरी आखिरी बस वहाँ यहाँ से मिस हो जाए. गुली गुली फ्रॉम इस्तांबुल गलाता पोर्ट.